मैं हिंदी में भी और अंग्रेजी दोनों में बोलने की कोशिश करूँगा। आज के विषय पर सबसे पहले मेरा ये विचार है कि दो साल पहले जब एक अवार्ड वापसी का फिनोमिनन चल रहा था, एक न्यूज़ चैनल में काफ़ी कवर भी किया गया, तो वहाँ पर एक वाद विवाद चला जिसको इंग्लिश में कहा टॉलरेंस वर्सेस इनटॉलरेंस या सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच की एक वाद है। और जो लिबरल्स थे, जो अपने आप को लिबरल आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, उनका ये मानना था कि हमें एक टॉलरेंट सोसाइटी बनना चाहिए, और दूसरी तरफ का ये मानना था कि हम तो टॉलरेंट है ही, ये बस आपने पहले क्यों नहीं कभी बात की इस चीज़ के बारे में। परंतु इस जो एक डाइकोटमी है टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की, सहिष्णुता और असहिष्णुता की, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हालांकि सीताराम येचुरी जी ने अभी यहाँ कहा कि हम एक वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स और कि हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैं, हालांकि हमें अपने अलग अलग संस्कृतियों को एक मिश्रित रूप से तो देखना चाहिए, परंतु पिछले 100 साल से जब से अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने की भरपूर कोशिश की, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू हुआ और वो फिर अल्टीमेटली पार्टीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हुआ, ये एक प्रोसेस जो है ये इसलिए खड़ा किया, इसलिए जो ये प्रोसेस बनाया गया है, इसने हमको एक तरीके से सोचने में मजबूर कर दिया है, और हम उसी सोच के अनुसार किसी भी टॉलरेंस या इनटॉलरेंस की बात करते हैं। आज के समाज में अगर हम ये भी सोचते हैं कि कोई हिंदू है और कोई मुसलमान है और हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, ये बस आपकी एक इंसानियत है, या आप उस समय अपनी एजेंसी जाहिर कर रहे हैं जहां बोल रहे कि मैं अच्छा इंसान हूं और मेरे को इस तरीके से रहना है। परंतु समाज में अगर हम चाहते हैं कि हमारी विरासत बची रहे, ये साझी विरासत बची रहे, तो हमें इस प्रकार से सोचना है कि हमारे इंडियन, हमारे भारतीयता का मतलब जो है वो केवल एक उसके जो उसका जो सबसेट होना चाहिए, उसका डिवीजन होना चाहिए, हमें कभी भी एक दूसरे को हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई के रूप में देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति हमारे, हमें एक अगर मिश्रित रूप से देखनी है तो वो केवल देखने से मिश्रित नहीं हो जाएगी, वो मिश्रित बनानी पड़ती है। और हमारे सामाजिक जीवन में ये एक सेक्युलर एस्पेक्ट तो है ही। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उनका नाम ना लें तब भी आपको समझ में आ जाएगा, बार बार सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे, अपने अपने रैलियों में कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, और ये एक रिलीजियस एंगल लेके कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसका मतलब असल में यही है कि कोई और समुदाय के लोग इस पर आक्रमण करने आ रहे हैं, वो उन्हें बाहरी कहते हैं या फिर जो कंट्री इंटरनल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। परंतु इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहिए हम सबको कि जब कोई किसान महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में आत्महत्या करता है, तो क्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था उसका धर्म पूछ के उसको इस मुकाम तक पहुंचाती है, मुकाम एक गलत शब्द होगा, इस एक्सटेंट तक पहुंचाती है जहां पर उसे अपना ही जीवन लेने पर मजबूर होना पड़ता है? क्या अगर अस्पताल में 60 बच्चे एक ही हफ्ते के अंदर मर जाते हैं तो क्या उन बच्चों से उनका धर्म पूछा गया? हमें एक पॉलिटिक्स के लेवल पे तो हमेशा ये बताया जाता है, जो अभी सत्ता में हैं वो हमेशा बताते हैं कि हिंदू मुसलमान हैं, बाकी लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों को साथ में रहना चाहिए, परंतु जो हमारे जो हमारा सामाजिक सत्य है वो ये है कि हम सब पर कई चीज़ें एक सेक्युलर इम्पैक्ट खाती हैं, और वो अर्थव्यवस्था एक वो स्तर है जहाँ पर हम सब पे एक सेक्युलर इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का। तो इससे मेरा तात्पर्य यही है कि तो फिर ये सांप्रदायिकता फैलाने का कारण क्या रहता है किसी भी सत्ताधारी ताकतों का? और उसमें इनका गोल यही है कि अगर आप समाज में किसी भी एक तबके को बोल दें कि वे दूसरे तबके से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनमें ज़्यादा समर्थता है, तो वे हमेशा ये सोचते हैं कि चाहे उनकी खुद की स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परंतु वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर है। और ये हालांकि बात यह है कि दोनों ही तबके, दोनों ही समुदाय एक ही किस्म के कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, एक ही किस्म के समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी अगर मेट्रो फेयर जो
हाइक हुआ है, अगर वो हाइक हुआ है तो वो केवल एक समुदाय के लिए नहीं हुआ है, वो सारे समुदायों के लिए हुआ है। परंतु एक समुदाय के लिए झूठ बेचा जाता है कि आप आपकी जिंदगी में कई कठिनाइयां तो हैं परंतु जो भी है आप दूसरे समुदाय से बेहतर हैं। और ये एक जो हायरार्की है ये मेंटेन की जाती है इस किस्म के वायलेंस से, जिसमें आप कोई गौ मांस खाने वाले को आप बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, जिसमें यहाँ तक कि अगर आप मतलब नॉर्मल ट्रेड भी कर रहे हैं, नॉर्मल व्यापार भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मतलब सिर्फ शक के आधार पर या बिना शक के भी आपको सड़क पे ही निकाल कर मारा पीटा जा सकता है। और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो एक सोशल रिलेशन है ये हम सब में कॉमन है। इसीलिए सीकर में जो अभी किसान आंदोलन हुए वहाँ पर कोई पश्चिमीकरण की वजह से प्रभावित किसान नहीं आए सामने, जिन्होंने बोला कि गाय का व्यापार या पशु पक्षियों पशुओं का व्यापार जो है वो होना चाहिए बिना किसी डर के। वे हिंदू ही थे और वे किसान थे जो शायद खुद भी शायद खुद गौ मांस नहीं खाते होंगे, परंतु उनमें ये समझ थी कि एक समाज को चलने के लिए हमें एक साथ रहना जरूरी है और एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ही नहीं, वो एक कॉमन हमारा रिलेशन है जिसके मतलब जिसके बिना हम लोग मतलब शांति और प्रेम से नहीं रह सकते हैं। और शांति और प्रेम से रहने का सिर्फ ये एक कोई शब्द नहीं है परंतु ये विरासत से बहुत बहुत ही ढंग से जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि यदि हमारी दुनिया में अशांति फैलती है तो हमारी केवल ये साझी विरासत ही खतरे में नहीं है, हमारी पूरी की पूरी विरासत खतरे में है। अगर आप देखें, अगर इराक या सीरिया के जैसे देश देखें जो बहुत 80-90 के दशक तक काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए थे, हालांकि उनकी अपनी समस्याएं थी, परंतु एक किस्म की सांप्रदायिकता से वो देश आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, उनके पास अपने आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए कुछ है ही नहीं बल्कि केवल हिंसा। तो इसलिए अगर हम आज नहीं समझेंगे और इसकी अर्जेंसी हम नहीं समझेंगे कि हमारे समाज को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से हिंदू मुसलमान की सोच बनाई जा रही है, तब तक हम अपनी साझी विरासत ही नहीं अपनी आर्थिक विरासत भी, अपनी हजारों साल की मतलब जो हजारों साल का इतिहास है उसको भी हम किसी को मतलब सौंप नहीं पाएंगे। और इसी बात पे मैं अपना वक्तव्य समाप्त। थैंक यू।